ये बहुत ही सरदर्दी वाला काम है। Hi guys, welcome back to the channel. Actually, मैं यहाँ पर इस तरह से इमेज इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज मेरी जो स्टार्टिंग वीडियो थी वो आई डोंट नो कुछ कार्ड में प्रॉब्लम आया और वो जो वीडियो थी वो करप्ट हो चुकी है। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ बिकॉज आज संडे है तो आई थॉट टू मेक समथिंग वेरी स्पेशल। आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में मेरा जो एयर फ्रायर है उसको देखा ही होगा जो मेरे पास आया था, उसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया है प्रॉपरली कैसे यूज़ करते हैं ऑल दैट। तो आज मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि उसमें मैं कुछ कुक करके देखूँ, तो आज मैं कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें बनाने वाली हूँ। सो येस, विदाउट Let's just get started with the video. क्योंकि किचन बहुत छोटा है और मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करती हूँ तो मैंने इस तरह से इसको ऊपर रख दिया था। तो ये है, एक्चुअली हम लोगों ने इसको फिर से सेलो टेप लगा करके रख दिया था ताकि इसके अंदर डस्ट ना जाए, क्योंकि यहाँ पर तो आप घर बंद रख दो चाहे कुछ भी रख दो डस्ट बहुत ज्यादा आती है। सो येस, एंड इससे पहले कि आप सब मुझसे पूछो कि मैं ये कौन सा वाला नाइट सूट पहनी हुई हूँ, तो ये एक्चुअली काफ़ी पहले मेरे पास आया था क्लोविया के तरफ से और मैंने इसको रख दिया था अंदर क्योंकि मैं इसको समर्स में ही पहनती हूँ जनरली। एंड लास्ट समर में आई थिंक थोड़ा पहना होगा बट आई सबको पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, तो अभी मैंने निकाल लिया है। काफ़ी ब्यूटिफुल सा इसका कलर एंड कॉम्बिनेशन है, गर्मी नहीं लगती इसमें। पहले मैं क्लोविया के साथ भी काफ़ी काम करती थी तो तब का है ये। तो अभी पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें फ्रेंच फ्राइज कैसे बनते हैं एंड उसके बाद फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी अगर मुझे इजी लगेगा तो, क्योंकि जब आप मैनुअली बनाते हो तो 3-4 प्रोसेस होती हैं और मैंने इसमें सुना है कि एयर फ्रायर में सिर्फ आपको एक बार वॉश करना होता है पोटैटो एंड देन उसको सुखा के डायरेक्ट इसमें रख देना होता है, मतलब इतनी प्रोसेस नहीं होती जो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एक बार विक्की ने बनाया था 4-5 घंटे में बनाया था। तो वीडियो एडिट करते टाइम मुझे पता चला कि मेरा एक पार्ट करप्ट नहीं हुआ था, मेरे वीडियो के काफ़ी सारे क्लिपिंग्स जो हैं वो करप्ट हो गए थे और जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, बट स्टिल मैं कैसे भी थोड़े बड़े पार्ट से ये ब्लॉग आपको बना के दे रही हूँ। एंड इसकी जो पूरी प्रोसेस थी वो मेरे पास रिकॉर्डेड थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो सब डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ मैं बनाने वाली हूँ और फ्रेंच फ्राइज़ को मैंने प्रॉपरली फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में कट किया है और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था उसको कट करने में। और यहाँ पर मैं जो मैंने बॉईल करे हैं पोटैटो उसमें से आधा मैं रख रही हूँ अलग और आधे का मैं मसाला बनाने वाली हूँ, तो आधे के मैं टिक्की बनाने वाली हूँ और आधे के मैं ब्रेड पकोड़े बनाने वाली हूँ। तो अगेन यहाँ पर भी बहुत सारी क्लिपिंग्स डिलीट हुई हैं बिकॉज मैंने ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस जो होती है ना वो सब इसमें लगा करके रखा था और वो सब डिलीट हो गया तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। अगर ये नॉर्मल ब्लॉग होता लाइक नॉर्मल डेज होते हैं तो मैं डेफिनेटली ये ब्लॉग कभी अपलोड नहीं करती, बट क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं और एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसको लिटरली बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि मैं कम से कम किचन में बहुत देर तक थी ये सब चीज़ें बना रही थी संडे का, और वो डिलीट हो गया तो मुझे ऑब्वियसली काफ़ी बुरा लगा। बट आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस ब्लॉग, आप अच्छे ब्लॉग देखते हो आई नो, बट ये थोड़ा बुरा ब्लॉग है, प्लीज़ इसको भी झेल लो एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और यहाँ पर मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ तो मैंने ब्रेड को कट करा है, मैं थोड़े छोटे शेप में ब्रेड को कट करती हूँ। और ये मसाला है और ये है इसका जो भी जिसमें ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं बेसन का घोल वो है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो फ्रेंच फ्राइज़ है पोटैटो जो मैंने कट करे थे जिस शेप में उसको काफ़ी देर तक पानी में रहने दिया था आधे घंटे तक, उसके बाद यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर में इसको मैंने बिछा लिया है और अभी मैं इसको बहुत अच्छे से पोंछ रही हूँ, मतलब इसको आपको प्रॉपरली ड्राइड अप करना है, ये गीले नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर ये गीले होंगे तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता है। आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ दिस बट हाँ ये गीले नहीं होने चाहिए। जब आप मैन्युअली बनाते हो तो आपको इसको फ्रीज़र में रखना पड़ता है और 2-3 बार और प्रोसेस करना होता है, बॉयल करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, बट क्योंकि हम एयर फ्रायर से बना रहे हैं तो मैं उसका मेथड फॉलो कर रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक बार वॉश करना होता है एंड देन इसको अच्छे से ड्राइड अप करके रखना होता है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपरली इनको पोंछ करके रखती जा रही हूँ और 5-10 मिनट्स के लिए मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और तब तक मैंने दूसरे पैन में ऑयल को गरम किया है और मैं आलू टिक्की भी बनाने वाली हूँ। तो अगर आपने आलू टिक्की वाला वीडियो डिटेल में अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको विक्की का जो बर्थडे ब्लॉग है क्वारंटीन वाला जो लॉकडाउन वाला है वो आप देखिए, उसमें मैंने इसका पूरा डिटेल्ड प्रोसेस बताया हुआ है।
तो मैंने यहाँ पर 7 या 8 टिक्की बनाई थी, जितनी इसमें दिख रही है आपको उतनी बनाई थी, क्योंकि हम दोनों के अकॉर्डिंग ये बहुत है, और मतलब हमारा शाम का डिनर स्किप हो जाना है, इतना इतना इतने में हमारा काफ़ी पेट भर जाता है, क्योंकि ब्रेड पकौड़ा है, देन ये है फ्रेंच फ्राइज़ है, और ये सब काफ़ी फिलिंग होते हैं, मतलब ये हल्के फुल्के नहीं होते, ये काफ़ी फिलिंग होते हैं। तो यहाँ पर तब तक ऑलरेडी हो चुके हैं 15-20 मिनट्स, तो ये हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं इसको अब मैं ट्रांसफ़र करूँगी एयर फ्रायर में, और मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, थोड़ा सा ऑयलिंग किया था, और यहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 20 मिनट्स के लिए डाल के रखा है, जैसा उसमें दिया था बुकलेट में, मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। और जब तक वो हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर जो ये टिक्की है ये एक तरफ से देखिए बहुत अच्छे से सिक चुकी है, तो इसको दूसरी तरफ मैं टर्न कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छा कलर आ गया है ब्राउन। टिक्की बनाने में मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ, नहीं तो मुझसे पहले टिक्की बिल्कुल नहीं बनती थी। ये सेकेंड टाइम में बना रही हूँ, जो परफेक्ट बनी है, और फर्स्ट टाइम बनाई थी तब भी परफेक्ट बन गई थी, कॉर्नफ्लावर वाले मेथड से बनाई था, उससे काफ़ी ईजी भी, कोई बेसन वेसन की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉर्नफ्लावर इसके थ्रू बहुत अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर आलू टिक्की हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, तो इसके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी, देन दही, केचप सॉस डाला हुआ है, ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ है, तो दिखने में ठीक ठाक लग रहे हैं। उसके बाद नॉर्मल वाली टिक्की है, और वहाँ पर ब्रेड पकौड़ा है, जो कि विक्की ने ऑलरेडी खा लिए हैं, 3-4 हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हम टेस्ट कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे बने थे। सो गाइज, ये है फ्रेंच फ्राइज, एंड दिस इज़ अजीब सा टेस्ट आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। मतलब एक तो मैं आपको बताती हूँ, ये एयर फ्रायर वेयर फ्रायर ना लेने वेने की जरूरत नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि इसको खरीदने का, फालतू का इतना झंझट, मतलब 20 मिनट तक मैंने इसको लिटरली वो किया है, एयर फ्राई किया है, एंड बहुत ही पथेटिक टेस्ट आ रहा है, पता नहीं क्या, मे भी हो सकता है क्योंकि हम लोगों को डीप फ्राई वाले फ्रेंच फ्राइज खाने की आदत है। अभी मुझे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत गुस्सा आ रहा है, मैन्युअली जो ये एयर फ्रायर के चक्कर में अगर मैं नहीं पड़ती ना, तो शायद नॉर्मल तरीके से फ्रेंच फ्राइज बनाती तो बन जाती, क्योंकि एक बार विक्की ने बनाया था और बहुत टेस्टी बने थे विक्की के। तो अब मुझे ना बहुत ही बुरा लग रहा है और बहुत गुस्सा भी आ रहा है। तो अब जो बाकी की चीज़ें हैं, ये तो बाकी सब चख चुकी हूँ मैं, तो बाकी सब तो ठीक ही बना हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने इसको वॉश किया है। अभी जो लोग सोच रहे होंगे एयर फ्रायर परचेज करने का, मैं उनको एक रिव्यू देती हूँ, बिल्कुल भी मत परचेज करना, बिकॉज है ना मुझे इसका कोई यूज समझ में नहीं आया। मतलब ये 10,000 का आता है, 9-10 हज़ार का आता है, मैंने खरीदा नहीं था, मुझे ब्रांड ने भेजा था, बट मुझे ना एज सच अभी इसको क्लीनिंग करना भी एक हेडेक है, उसके बाद ऊपर से टेफ्लॉन कोटिंग है, तो जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, ये विक्की बर्तन मांज रहा है खटरपटर खटरपटर, तो जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, टेफ्लॉन कोटिंग अवॉइड करके स्टेनलेस स्टील या आयरन पे आ गए हैं, उसके बाद फिर से टेफ्लॉन कोटिंग यूज़ करना इज़ नॉट गुड। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, टेफ्लॉन तो छोड़ो, ये बहुत ही सरदर्दी वाला काम है। मतलब एक तो हो सकता है मेरे को यूज़ करना ढंग से नहीं आया हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी मुझे कोई इतना मज़ा नहीं आया इसमें बनाने में, फ्रेंकली स्पीकिंग। ये हो गया, उसके बाद माइक्रोवेव हो गया, अगर आप बहुत यूज़ करते हैं, आई डोंट नो, अगर किसी के घर पे है और वो इसका बहुत मल्टीपल यूज़ करता है, देन डू लेट मी नो कि आप कैसे इसको यूज़ करते हो, बिकॉज मैं वापस से इसको पैक करके जहाँ ये था वहाँ पहुँचा रही हूँ, क्योंकि नीचे तो जगह है ही नहीं और मुझे इसका कोई यूज़ भी इतना मज़ा नहीं आया है। सो दिस इज़ माई रिव्यू। हाय गाइज, और आज संडे है, तो मोदी जी ने जो बोला था कि हम लोगों को कैंडल्स या टॉर्च जलाना है, तो एक हमने कैंडल यहाँ घर में जला ली है और एक बालकनी में रख दी है, और विक्की टॉर्च लेके खड़ा हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी भी नीचे बहुत सारे मेरी सोसाइटी में जो बच्चे हैं सब भारत माता की जय, गणपति बप्पा मोर या चिल्ला रहे, बहुत मज़ा आ रहा है सुन करके। और आज लेकिन वो जो उस दिन हुआ था ना, वो तो मतलब अमेजिंग था, आज भी दिख रहा है, बट क्योंकि अभी जैसे ये स्ट्रीट लाइट जल रही है, सब जल रहा है, तो इतना समझ भी नहीं आ रहा है कि, बट फिर भी काफ़ी कुछ तो दिख रहा है। तो मैं अपना जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म करने वाली हूँ। आई नो ये बहुत ही छोटा सा व्लॉग था और कुछ खास था भी नहीं इसमें, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरी क्लिपिंग्स एक्चुअली में डिलीट हो गई थी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया हो एंड इतना भी बुरा ना लगा हो। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं जल्दी ही आती हूँ नए और अच्छे व्लॉग के साथ, और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो ये डिलीट वगैरह का
चक्कर ना हो. एंड टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ.